अब मैंने इसमें डाला डाल रही हूँ। गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग। एंड सो प्लीज़, पहली बात तो ये, शाम हो चुकी है, मैं ट्यूशन पढ़ा के जस्ट फ्री हुई हूँ, मैंने फेस भी अच्छे से धोया नहीं है और मेरे को बहुत सारे मच्छरों ने भी काट रखा, तो मेरा मुंह ऐसा अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज़ डोंट माइंड। और वीडियो शूट करने का बहुत बड़ा मकसद था, बहुत ह्यूज मकसद, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ एक सब्ज़ी, और जो सब्ज़ी आई डोंट थिंक सो आपने खाई नहीं होगी, वैसे तो इंडिविजुअली खाई होगी, बट जो रेडी होने वाला है ना बनके, बट जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना उस तरीके से नहीं खाई होगी। सो मैंने सोचा कि अगर आज मैं बना रही हूँ तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, और प्लीज़ आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करना अपने घर पे, मस्त 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 लगते हैं, मस्त। वो तो आप खुद ही बताओगे, खुद ही टेस्ट करके, मतलब खुद बनाओगे और तब खुद टेस्ट करोगे, मेरा वाला तो हम खुद ही टेस्ट करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो इनटू द वीडियो। आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ कि क्या क्या मैं यूज़ करने वाली हूँ इस डिश को बनाने के लिए। शिमला मिर्च, इसको ऐसे मैंने लंबी लंबी कट किया है, आफ्टर दैट टमाटर, फिर प्याज, और ये पालक है कट के, काट के और इसको मैंने धो के रख दिया है। ये ना आलू है, और सॉरी आलू तो है ही, बॉइल्ड पोटैटो है, और इस पे ये जो बीज दिख रहे हैं ये शिमला मिर्च हैं, क्योंकि हम लोग को पसंद है इसलिए मैंने डाल दिए। फिर मैंने साइड में ये मिर्ची काट के रख दिया, और इसके नीचे है हमारी फ्रोजन पीस, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। अब हमें सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कढ़ाई, ये मैंने ले ली कढ़ाई। चलो अब हमें कढ़ाई में डालना है तेल, जो भी आप तेल यूज़ करते हो, सरसों का तेल, रिफाइंड घी, जो भी यूज़ करते हो आप वो ले सकते हो, हम यूज़ करते हैं फॉर्चून वाला रिफाइंड। अब तेल को बोलते हैं गरम, तेल गरम हो रहा है इधर। गाइस नेक्स्ट स्टेप है हमें जीरा ऐड करना है। सो गाइस अब मैं उसमें लहसुन डाल रही हूँ, थोड़ा बना हुआ है क्योंकि कुकर इशू की वजह से हुआ है सारा, इतना ख़राब है ना यार ये बाइक में, गंदे क्यों होते हैं यार, मतलब मैं वीडियो बना रही थी यार और मेरा जीरा सारा काला हो गया, फिर यार मैं लहसुन ऐड करने लगी तब मैं बता रही गाइज लहसुन ऐड करो, तो वो सॉरी गाइज मैं दिखा देती हूँ आप यार उसने मेरे जीरे का क्या हाल करवाया। कोई नहीं, आप अपने जब सब्ज़ी बनाओ ना अपने ऐसे गंदे से भाइयों को जरा दूर रखना, पर कोई नहीं अभी भी इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, ठीक है। चलो क्या किया हमने, तेल में पहले जीरा डाला, उसके बाद ये लहसुन ऐसे मैंने फ्राई कर लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ, प्याज मेरे मतलब जब तक वो ब्राउन होगा तब तक उसको ऐसे ही रखना है, मतलब फ्लेम पे चलाते हैं उसको। गाइस अभी प्याज मतलब हो रहे हैं, उनको जल्दी करने के लिए मम्मी ट्रिक बताती है कि उसमें जब वो पक रहे हैं उसी टाइम पे थोड़ा नमक ऐड करते हैं, तो वो जल्दी पक भी जाते हैं, थोड़े लूज भी हो जाते हैं, वो पक ही जाते हैं कि प्याज कुछ इस टाइप के हो जाए ना, हाफ ब्राउन और हाफ पिंक रह जाए, तब उसी टाइम पे आपको डाल देंगे शिमला मिर्च। अब ना हमने क्या करना है, इसको ढक देंगे अब हम, बीच बीच में ना चेक करते रहो। अब देखो थोड़ी सही लग रही ना, पक गई है मतलब। चलो कर देंगे हमारे टमाटो। अब टाइम है हमारे मसालों का, क्या डालेंगे हम, नमक पहले डाल दिया था इसलिए थोड़ा कम ही डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे हल्दी, ठीक है, फिलहाल यही डालना है। चलो अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, मतलब जितने हम नॉर्मल डालेंगे ना उतना एक्स्ट्रा डाल देंगे, मस्त फ्लेवर आता है इससे तो वैसे भी। और मेरा स्पेशल जीरा पाउडर जो कि मैं खुद ही बनाती हूँ, ठीक है, इसको हम चलाएंगे, कहाँ चलाएंगे, कहीं नहीं चलाएंगे, कढ़ाई में रखे रखे चला देंगे, ठीक है। एक चीज़ तो रहेगी रुको रुको रुको, अब हम डालेंगे इसमें हमारा रेड चिली पाउडर, इसके बिना तो कलर आएगा ही नहीं। देखो कितना मस्त कलर आया है ना इसका, अभी तो ये रेडी नहीं हुई है, अभी देखना है इसका कलर थोड़ी देर बाद। मैं पता है मैं थोड़ी, आपको नहीं पता मुझे पता है, थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो उसके लिए मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं बिल्कुल हल्का सा, है हमारी मटर की बारी, इसका मैंने सारा पानी निचोड़ लिया है, मैं इसको उसमें डाल देती हूँ। इसकी कुछ ऐसी शक्ल है,
गाइस अब साथ साथ हम इसमें डाल देते हैं हमारे बॉइल्ड आलू, बॉइल्ड चॉप्ड आलू। चलो इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब ये बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। अब ना इसको हम कर देंगे पापा वाली बात है गार्निश। पापा बोल रहे अब ये गार्निश हो गई, मतलब पापा बोले थे अब इसको ना धनिया डालकर गार्निशिंग हो गई। चलो बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद मेरी सब्जी कंप्लीट हो गई थी। संघर्ष मैंने आपको दिखाया नहीं, बीच बीच में बहुत ज़्यादा एंट्री मार रहे थे यार मम्मी, कभी पापा कभी क्रिशु, मतलब बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी उस टाइम पे। बट फाइनली बन गई सब्जी और मैं खाना लेके बैठ गई। दिखाऊँ क्या क्या ले रखा मैंने, ये सब्जी भर रखी है देखो, फिर इधर इस साइड में मूली है, ये मेरी रोटी, ये मैं खाने के बाद थोड़ा मीठा लेती हूँ, ये और ये देखो होममेड लहसुन का अचार, कितने ठाठ है ना मेरे। चलो एक बार ना पूछते हैं कि सब्जी बनी कैसी है, दिखा तो दी, अब ना कर दिया कि मेरे को नहीं आना। अब क्रिशु से पूछते, क्री कैसी थी सब्जी? मस्त एकदम है, मस्त थी। और जो तूने खराब करने की कोशिश की उसका क्या क्या किया? जी तू तू चुप रह क्रिशु, तू कैसे 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 हाल, क्या ढिंचक पूजा के गाने बजा रहा था? यार इतना गंदा है ना यार, इसने फुल वॉल्यूम पे ढिंचक पूजा के गाने बजा दिया, मतलब ताकि मेरी वीडियो में पूरी वही। और अभी भी चल बताना जरा कैसी थी, बता तो दिया मस्त है, दूर नीचे बता बता बता, अच्छी थी? कब बनाऊ, रोज बनाऊ ऐसी? ठीक है तो गाइज मैं भी फटाफट खा लेती हूँ। ओके आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सपोर्ट करो, कैसे करोगे सपोर्ट? जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है ना उसको सब्सक्राइब कर दो उस चैनल को, मेरे चैनल को भारती कौशिक ब्लॉग्स। चलो अब मैं खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैंने सबको खिला दिया है, अब मेरी टर्न है खाने की। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।